साथियों, आज सबसे पहले बोलिए वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण जी की जय। और इसके बाद आज आप ब्लॉग सुनिए। आज मैं अपना परिचय आपको नहीं दूंगा, चैनल का परिचय अवश्य दे रहा हूं। ज्ञान एंड नॉलेज का विशेष प्रोग्राम है मंथन, और मंथन हो रहा है आज जो वास्तव में जिन्हें ब्रह्म तत्व माना जाता है, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण। और उनका ये आज जन्म दिवस है 5251 ईयर्स बिफोर भगवान श्री कृष्ण जी का जेल में पदार्पण हुआ था। देवकी नंदन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी का आज वास्तव में भाई जन्म दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में, फिर मथुरा और वृंदावन तो कहना ही क्या है। और एक और विशेष बात कि यदि परिवार में किसी का जन्म दिवस भी आज के दिन पड़ जाए तो और खुशी हो जाती है। तो चलिए भाई, सबको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएँ व शुभकामनाएँ। साथ में एक और जो प्रशंसनीय कार्य हुआ है कि 19/8/2024 को पावन रक्षाबंधन था, और उसमें प्रकृति की, नेचर की सबसे बड़ी परीक्षा, हाँ आप देख ले, सर्वे कर लीजिए पूरे, उसमें आप सर्वे कर लीजिए, कोई प्रकृति नेचर के संबंध में कोई परीक्षा नहीं करवा रहा है। हाँ, IAS की परीक्षा हो रही है, IPS की परीक्षा हो रही है, तो वो परीक्षा किसके लिए हो रही हैं? वो जीविका के लिए, पेट भरने के लिए नौकरी की परीक्षा होती है। और हमारी जो परीक्षा हो रही है वो प्रकृति और सृष्टि और नेचर की हो रही है, और जिसमें जो प्रतिभागियों ने भाग लिया है दिल खोल के और सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया है, वो उन्होंने अपने पेट पालने के लिए नहीं दिया, नौकरी के लिए नहीं दिया, प्रकृति और सृष्टि के और पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के लिए दिया है, जिसके लिए आज महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ रात दिन एक कर रहा है, लेकिन एक भी व्यक्ति में चेतना नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जो कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से हो रहा है वो धन अर्जन के लिए हो रहा है, धन खर्च के लिए हो रहा है, और हमारे जो प्रतिभागियों ने भाग लिया है वो निस्वार्थ लिया है। लेकिन फिर भी हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ अपने संसाधनों के द्वारा सबको महान सम्मान से महान सम्मान से सम्मानित करेगी, और साथ में प्रकृति योद्धा नेचर फाइटर घोषित करेगी, और उनको प्रमाण पत्र भी सभी प्रतिभागियों को दिए जाएंगे ट्रस्ट के द्वारा। रिजल्ट परिणाम के लिए भाई इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कापियाँ इस बार बहुत ज़्यादा हो गई और जांचने में समय लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा समय की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी को भाई परिणाम घोषित होना था। लेकिन एक बात अवश्य मैं कहे दे रहा हूँ कि आज आप एक प्रश्न नंबर 17 का उत्तर भी आप सुनेंगे इस ब्लॉक में, और साथ में थोड़ी सी समरी हम आपको बताए दे रहे हैं कि इस बार परीक्षा प्रतियोगिता में रक्षा से रक्षा में सबसे वयोवृद्ध सदस्य श्री त्रिशूल सिंह साहब अयोध्या के, जिनकी उम्र 73 वर्ष है, जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने भाग लिया और सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। अब देखिए उनका श्रेणी में कौन सा स्थान है, ये एक अलग विषय है, इसकी जाँच चल रही है। और दूसरे अग्रज श्री श्याम प्रताप सिंह, ये वयोवृद्ध सदस्यों में से एक है। और सबसे कम उम्र के बच्चा या बच्ची किसने भाग लिया, इसका परीक्षण हो रहा है। और प्रश्नों के उत्तर देने में जो सबसे ज़्यादा तीव्रता और सबसे ज़्यादा तार्किक और सबसे ज़्यादा निपुणता और कौशलता दिखाई है वो श्री शोभित प्रताप सिंह जी ने दिखाई है, और निसंदेह वो समय की दृष्टि से नंबर 1 अभ्यर्थी घोषित किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी के पावन वर्ष पर जो भी प्रतिभागियों ने भाग लिया है वो सभी सफल घोषित किए गए हैं और सब ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं। अब वो परिणाम के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं अपनी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न नंबर 17 पर।
तो पहले जल्दी से कहिए तो प्रश्न नंबर 17 को पढ़ दें और फिर इसका विश्लेषण करें, क्योंकि आज ये संयोग है और संयोग के साथ ये प्रश्न ही महाभारत से संबंधित है, मतलब पूज्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरे युद्ध में किसी के बाहुबल, किसी की तीरंदाजी, किसी की धनुषधारी की अगर प्रशंसा की है, अर्जुन की प्रशंसा नहीं की उन्होंने, अर्जुन की तो रक्षा की है, शिष्य के रूप में, भक्त के रूप में, समर्पण के रूप में। लेकिन महाबली महारथियों में से अगर किसी की प्रशंसा की है तो वो कर्ण महायोद्धा की उन्होंने तारीफ की है। और ये प्रश्न पूरा कर्ण से ही ओतप्रोत है। और लोग आज जातिवाद को बड़ा अपमानित और बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जातिवाद, और यद्यपि हमारा चैनल जातिवाद के घोर विरोधी है और योग्यता के पक्षधर है, सभी को उस सोच से अपने आप को बिल्कुल दूर करके और कर्ण को अपना हीरो बनाना चाहिए। कर्ण ने सारी जातीय बंधन, सारी कुरीतियों के बंधन और जो परंपराएं थी उन सबको तोड़कर और स्वयं राज्य का सिंहासन प्राप्त किया था। ऐसे महारथी थे कर्ण। श्री रामचरितमानस में बाली की एक कहावत आपने सुनी होगी कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। इसका मतलब यह है कि अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए, भगवान सामने आ जाएं, भगवान का स्वरूप सामने आ जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो जीवन यात्रा थी इस मृत्युलोक में वो मोक्ष गति में प्राप्त हो गई। और कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने वचनों से हरा लिया। ये देखिए ऐसे महारथी होते हैं। वहीं भीष्म पितामह को 6 महीने उस प्राप्ति के लिए 6 महीने तीरों पर लेटना पड़ा, तब भगवान के दर्शन हुए उनको और उनको मोक्ष गति प्राप्त हुई। रावण को युद्ध करना पड़ा प्रभु राम से। रावण ने स्वयं कहा है श्री रामचरितमानस में, जो भगवंत लीने अवतारा तो मैं जाय बैरे हट करी हूँ और प्रभु सर प्राण तजय भव तरी हूँ। खुद तरूंगा और अपने कुटुंब को भी तारूंगा, क्योंकि इतने पाप हो गए हैं कि मोक्ष गति नहीं मिल सकती बिगर भगवान से लड़ाई लड़े। रावण और राम ही संस्कृति के दो नायक हैं, एक सकारात्मक संस्कृति के और एक नकारात्मक संस्कृति के। और इसके अलावा ना दुनिया में कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई पंथ है, सिर्फ इन दोनों विचारधाराओं के संप्रभुता की लड़ाई हमेशा चलती रही है। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न नंबर 17। महाभारत युद्ध के 17वें दिन 2 महान महारथियों के बीच महासंग्राम हुआ, उस दिन कौरव सेना का कौन महारथी था, मतलब सेनापति कौन था। उस महारथी ने भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण के सामने युद्ध की शुरुआत करने से पहले 2 शर्त रखी थी। पहला ये यदि मैं आज वीरगत को प्राप्त हूँ तो हमारी अंतिम क्रिया उस पावन स्थान पर की जाए जहाँ पर कोई पाप ना हुआ हो और किसी मानव की अंतिम क्रिया ना हो। दूसरे, हमारे पार्थिव शरीर की अस्थियों को उस नदी की धारा में प्रवाहित किया जाए जहाँ जो पापों से मुक्त कर दे। भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने उस महारथी को उक्त वचनों को पूरा करने की, मतलब अपने वचन दिया था और उनको पूरा भी किया। कृपया उस महारथी का नाम बताएं और उक्त दोनों पावन स्थानों के नाम बताइए। तो अधिकतर हमारे अभ्यर्थियों ने सेनापति महारथी का नाम कर्ण सही बताया है, और लेकिन आगे के वृत्तांत को उन सभी को भी सुनना बहुत जरूरी है। और वास्तव में इन प्रश्नों के उत्तरों में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है और ये बहुत ही आनंद देने वाले उत्तर हैं, और इनको समझिए और विशेषकर बच्चों को भी समझाइए। हमारा उद्देश्य इस मूल उसका उद्देश्य ही है कि हमारे बच्चे भी जागृत हों और इस संस्कृति, महान संस्कृति को समझें, क्योंकि आगे का जो काल है वो परीक्षा का ही काल है और योग्यता का काल है।
यदि अपनी जानकारी उनको पूरी नहीं होगी और योग्य नहीं होंगे तो वो आज दुनिया में कहीं भी सामना नहीं कर पाएंगे। देखिए, योग्यता के कारण ही भारती आज पूरे आईटी सेक्शन में महारथी बन गए, क्योंकि आईटी सेक्शन का। और देखिए, सब कहते हैं भारत गुरु बनेगा, महागुरु बनेगा और महाशक्ति बनेगा। अरे भाई, शक्ति योग्यता से बनती है, बिगर योग्यता के शक्ति नहीं बनती। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी में वर्तमान समय में योग्यता तो है ही, कि एक तरफ रूस, एक तरफ अमेरिका और यूक्रेन में भारत की अहम भूमिका। तो योग्य बनिए कर्ण की तरह, एक तरफ राजा कौरव की संतान, एक तरफ राजा पांडवों की संतान, और उसमें बीच में कर्ण महारथी, जिसकी प्रशंसा भगवान स्वयं कर रहे हों। अपने आप को इतना बुलंद बनाइए, बस यही है प्रतियोगिता का मूल सार। अब मैं आपको बहुत जल्दी से दो स्थान बता रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग बड़ा होता जा रहा है। कर्ण ने भगवान योगेश्वर जी के समक्ष जो पहली शर्त रखी थी, भगवान ने उसके अनुसार पूरे ब्रह्मांड और मृत्युलोक पृथ्वी की पूरी सर्च की, और सर्च करने के बाद सूरत, जो अब गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर बराछा, ताप्ती नदी के किनारे एक स्थान है, वहाँ पर सिर्फ एक इंच भूमि ऐसी पाई गई कि उस भूमि में कभी कोई अपराध पूरी पृथ्वी में नहीं हुआ था। एक इंच भूमि में चूंकि शरीर पूरी तरह से आ नहीं सकता था, इसलिए भगवान ने पहले उस जमीन में, पावन जमीन में एक तीर छोड़ा, और उस तीर की सैया बनाकर उस पर कर्ण का शरीर, पार्थिव शरीर रखा, और स्वयं दाह संस्कार किया, स्वयं अंतिम क्रिया की। वो स्थान बट मंदिर कहलाता है। वहाँ एक बट बरगद का वृक्ष है, जिसमें तीन पत्ते जीवांत रहते हैं। तो अब समझे आप कि कर्ण के साथ प्रकृति का कितना बड़ा रहस्य है। वो तीन पत्ते ना कभी कम होते हैं, ना कभी सूखते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, और वो पेड़ भी उतना ही बड़ा रहता है, और वो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग देखते चले आ रहे हैं। वहाँ पर एक मंदिर बन गया है, और वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में ताप्ती नदी के किनारे वृक्ष रोपित किए गए हैं, जहाँ पर कर्ण जी की समाधि बनी हुई है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि उनके दाह संस्कार भगवान ने करने के बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन कहाँ हुआ, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, सुनते रहिए, अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और मिलने जुलने वालों को भेजें। देखिए, हम तो एक महापुरुषों के बारे में जानकारी देते हैं, और जब जिसकी जयंती पड़ती है उसके बारे में जानकारी देते हैं, और प्रकृति की जानकारी देते हैं, तो कृपया, और बड़ी मेहनत करते हैं, तो कृपया भाई चैनल का सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन कर दो, लाइक कर दो। और भाई, अब दूसरे क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाओ। अब इसी प्रश्न नंबर 17 का दूसरा पार्ट भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, कि वास्तव में अस्थियां विसर्जित कहाँ की गई। देखिए, आपने भारत में 5 प्रयाग सुने होंगे। एक तो प्रयागराज तो है ही, जहाँ गंगा, त्रिवेणी, जो त्रिवेणी संगम कहलाता है, गंगा, सरस्वती और जमुना। आपने एक और नाम सुना होगा जो बद्रीनाथ धाम के रास्ते में पड़ता है, कर्ण प्रयाग, जहाँ अलकनंदा और हिमनद, पिंडारी नदियों का मिलन होता है। उस जगह पर भगवान ने कर्ण की अस्थियों का विसर्जन किया था, और ये मान्यता है कि वो कर्ण गंगा कहलाती हैं वहाँ पर, और वहाँ पर सारे पापों का नाश हो जाता है, ऐसा समाप्त हो जाते हैं जो भी व्यक्ति या आत्मा के पाप होते हैं, कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान, देखिए, कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं हुआ, और भगवान ने कई बार धर्म की विजय के लिए
और सत्य की विजय के लिए कर्ण को छला, और कर्ण जानते हुए भी कि ये भगवान हमें धोखा दे रहे हैं, भगवान कर्ण को हमेशा दान दिया। इसलिए भगवान ने अंतिम समय आशीर्वाद दिया था कि तुम दुनिया के दानवीर शिरोमणि कहलाओगे। कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं है। और साथ ही कर्ण ने जो अपनी शर्तें रखी थीं, भगवान ने उन शर्तों को हारा, और हारने के बाद भगवान ने स्वयं कर्ण को अंतिम गति दी, उनको अंतिम अस्थियों का विसर्जन करवाया, और इस तरह वो हमारी समझ से इस दुनिया और ब्रह्मांड के सबसे बड़े जीव और आत्मा कहलाने के हकधारी है, कि जिनकी अंतिम क्रिया स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा ने की हो, जिनका आज जन्म दिवस है। तो भाई, अब इस क्वेश्चन 17 का समापन भी हो रहा है, और 18 दिन ही महाभारत युद्ध चला था, 18वें दिन सत्य की जीत हुई थी। आज भी दुनिया में कई युद्ध चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शांति प्रस्ताव लेकर गए हैं, और कौरव और पांडवों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन दुर्योधन अपनी हट पर और अहंकार पर लड़ा डटा रहा। अहंकार ही बड़े बड़े तानाशाहों के समापन का अंत होता है। तो रूस यूक्रेन युद्ध में भी जो अहंकार कर रहा होगा वही हारेगा, ये भी बात पक्की है। दोनों पक्षों को अहंकार त्याग करके और भारत के शांति प्रस्ताव पर सहमति देना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 से ही दुनिया को आज शांति मिलेगी। कर्ण की सिर्फ संगत खराब हो गई, दुर्योधन की संगत। तो अपनी संगत पे भी आदमी को हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संगत से ही पाप और पुण्य, यश और कीर्ति भागीदार होते हैं, प्राप्त होती है। तो चलिए आज इतना ही, और अन्य जो प्रतियोगिता के शेष प्रश्न हैं उनके लिए इंतज़ार करिए, और परिणाम के लिए भी इंतज़ार करिए। परिणाम इस बार संख्या अभ्यर्थियों की बहुत ज़्यादा हो गई और कॉपियां जांचने में समय लग गया, इसलिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। शीघ्र ही आपको उस आनंद से भी अभिभूत कराऊंगा। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में हमारे ट्रस्ट को भी मजबूत बनाना है तो आपको अपना सहयोग भी देना है, अंश, जिससे प्रकृति का और अच्छा कार्य हमारा चैनल कर सके, क्योंकि प्रकृति और क्लाइमेट चेंजिंग की समस्या पूरी दुनिया में सबसे विकराल और भयावह समस्या आ रही है। उसके लिए लोगों को, जन जन को जागरूक करना हमारे चैनल और हमारी ट्रस्ट का मूल धर्म और कर्तव्य है। आप भी प्रकृति योद्धा बनिए। अगली बार 2025 में अवश्य भाग लीजिए, और सपरिवार लीजिए, बच्चों को भी शामिल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।